नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीसीएस एकेडमी। दोस्तों, हम लोग की जो सीरीज चल रही है पर्यायवाची की, तो आज उसी का ये अगला भाग है और उम्मीद करता हूं आपको पसंद आ रहा होगा। तो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, जिन लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है मेरी, वो चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही उसके बाद जो बेल आइकन आएगा उस पर जरूर आप टच टैप प्रेस क्लिक जरूर करें। तो उससे होगा ये कि इन फ्यूचर जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आप उसको चाहें तो सबसे पहले देख सकते हैं या फिर अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन जो है। और हाँ, जिनको अगर सॉफ्ट कॉपी यानी पीडीएफ फाइल चाहिए हो वो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लें, वहां पर आपको लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा और आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं। तो शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है, शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है, जो पर्यायवाची नहीं है वही ऑप्शन हमारे लिए सही है और इस प्रश्न का सही आंसर है वो। तो देखिए, और दोस्तों ये प्रश्न जो है यूपी पीसीएस मेंस में 1989 में आ चुका है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, जानकारी है आप लोगों को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आदरणीय, आदरणीय ऑप्शन सी सही है। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं, व्याख्या क्या है। शिष्ट के पर्यायवाची शब्द सभ्य, सुसंस्कृत, सुशील, विनीत, नीतिमान इत्यादि हैं, जबकि आदरणीय का अर्थ आदर करने योग्य होता है। तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा यहां पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधर्म का पर्यायवाची नहीं है? अब यहां पर पूछा है अधर्म का पर्यायवाची नहीं है तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है, सीधे मैं राइट ऑप्शन ही बोलता हूं आपको। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी अधम जो है अधर्म का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों ये प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस 1998 में और आरएसआरटीएस मेंस में 1988 में आ चुका है। तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, आंसर तो मालूम हो गया। अब चलिए देखते हैं, क्या देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। अधर्म के पर्यायवाची जुल्म, पाप, अनाचार, अपकर्म, अनीति, अन्याय इत्यादि हैं, जबकि अधम के पर्यायवाची खल, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, शठ इत्यादि हैं। तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं, अमृत किसका पर्याय है, अमृत किसका पर्याय है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? सबसे पहले ये देखिए ये प्रश्न कितनी बार आ चुका है, यूपीपीसीएस मेंस 1998 में आ चुका है, आरएसआरटीएस मेंस 1987, 1988 और 1991, और एमपीपीसीएस मेंस 1997 में आ चुका है और उसके साथ ही यूपी लोअर सब स्पेशल मेंस में 2008 में तथा 43rd एंड 47th बीपीएससी मेंस में भी आ चुका है। तो देखिए कितने एग्जाम्स में आ चुका है, ये प्रश्न बहुत ही बहुत जरूरी है। आप ऐसे प्रश्नों को जरूर से जरूर अच्छे से तैयार करिए, पढ़िए, रट लीजिए ऐसे प्रश्नों को आप। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, अमृत किसका पर्याय है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए अमी ये अमृत का, अमृत का, अमृत इसका जो है पर्याय है अमी का। तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। चलिए व्याख्या देखते हैं, व्याख्या कहां है, व्याख्या ये रहा। अमृत के पर्यायवाची अमी, सोम, अमीय, सुरभोग, जीवनोदक, सुधा, पीयूष इत्यादि हैं, जबकि पयोधि, समुद्र का, अर्क, काढ़ा का तथा आक के पौधे के संदर्भ में भी प्रयुक्त होता है। पय शब्द जल का पर्यायवाची है, ये क्लियर हो गया। तो चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची नहीं है, तो दो ऑप्शन ये दिए हुए हैं और अभी दो ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूं, और तो पर्यायवाची नहीं है तो देखते हैं, दो ऑप्शन ये दिए हुए हैं तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर। और इसमें भी दोस्तों प्रश्न में देखिए यूपी पीसीएस मेंस 1998, यूपी लोअर से मेंस 2008, झारखंड पीसीएस मेंस में 2003 में, यूपी सॉरी एमपी पीसीएस मेंस 1997, 1999 और आरएसआरटीएस मेंस 1986, 87, 88, 97 देखिए कंटिन्यू आया, और 42 में, 45 में बीपीएससी मेंस में आ चुका है, यूपी एपीओ मेंस में 1982, 1994 और 1998 में भी इतने एग्जाम्स में आ चुका है। तो ऐसे प्रश्न को मैं फिर कहूंगा कि आप रट लीजिए इनको। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी
अक्ष ये सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। नभ अभ्र दिव व्योम अनंत शून्य गगन अंतरिक्ष द्यौ तारापथ अंबर खगोल फलक इत्यादि शब्द आकाश के पर्यायवाची हैं, जबकि अक्ष शब्द पर्यायवाची के रूप में आंख के लिए प्रयुक्त होता है। तो यह हो गया क्लियर आप लोगों को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जीव का पर्यायवाची नहीं है? अब यहां पर जीव का पर्यायवाची नहीं है तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन तो मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, अब मैं क्वेश्चन सीधे राइट ऑप्शन ही आपको बताऊंगा। यूपीपीसीएस मेंस 1998 में आ चुका है, आरएएस आरटीएस मेंस 1988 में आ चुका है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पखेरु। ऑप्शन सी पखेरु जीव का पर्यायवाची नहीं है। तो ये हो गया। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, जीव के पर्यायवाची शब्द प्राणी प्राण चैतन्य जान जीवन इत्यादि हैं, जबकि खग पक्षी विहग पखेरु नभचर इत्यादि पक्षी के पर्यायवाची हैं। यह हो गया क्लियर। चलिए देखते हैं अगला। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिनांक का पर्यायवाची नहीं है? अब यहां दिनांक का पर्यायवाची नहीं है, वही हमारे लिए सही है, वही इस प्रश्न का सही आंसर है। तो देखते हैं क्या है। तो ये प्रश्न जो दोस्तों 1998 यूपीपीसीएस मेंस में आ चुका है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी अंक। ये दिनांक का पर्यायवाची नहीं है। तो देखते हैं व्याख्या। व्याख्या क्या बताते हैं भाई? दिनांक के पर्यायवाची तारीख तिथि मिति आदि हैं, जबकि अंक शब्द इसका पर्यायवाची नहीं है। अंक शब्द संख्या गोद भाग्य चिन्ह आदि के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। चलिए ये हो गया क्लियर। देखते हैं अगला। कामदेव का पर्यायवाची है, तो कामदेव का पर्यायवाची क्या है? चार ऑप्शन ये दिए हुए, इनको पढ़िए और इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। उससे पहले ये देखिए ये प्रश्न कितनी बार आ चुका है। यूपी लोअर सब मेंस में 2004 2009 में आ चुका है, यूपी एपीओ मेंस 1988 1996 में आ चुका है, और आरएएस आरटीएस मेंस में 1987 और एमपीपीसीएस मेंस में 1996 में आ चुका है। देखिए इतने एग्जाम्स में आ चुका है, यानी दो दो चार और दो छः एग्जाम्स में आ चुका है, छः बार आ चुका है ये प्रश्न। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? 68 का इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कामदेव का पर्यायवाची मदन है। कामदेव का पर्यायवाची मदन है। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कहाँ है? व्याख्या ये रहा व्याख्या इसकी, देखते हैं। कामदेव के पर्यायवाची अनंग पंचशर मकरध्वज केतन मनोभाव मनोभाव है, और मयन मदन मनसिज प्रद्युम्न कुसुम्बाण कुसुमशर मनोज रतिपति रतिनाथ मनमथ कंदर्प कामग मार स्मर तथा पुष्पधनवा इत्यादि है। मोहन कृष्ण का सोम अमृत का तथा शचिपति इंद्र का पर्यायवाची है। बाकी तीन भी यहां से क्लियर होगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अब यहां पूछा है कौन सा नहीं है। ऊपर वाले प्रश्न में इतने सारे कामदेव के पर्यायवाची गिना दिए थे, अगर उनको पढ़ा होगा सुना होगा तो आपको यहां पे मालूम हो जाएगा कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कामपाल। ये कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। तो और दोस्तों ये देखिए उत्तराखंड पीछे प्री में 2012 में पूछा गया था ये प्रश्न। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची है? बिजली का पर्याय है, पर्यायवाची है, तो क्या है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ये रहे आपके सामने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दामिनी। ऑप्शन डी दामिनी। और दोस्तों ये प्रश्न जो देखिए यूपी लोअर सब मेंस में 2009 में आ चुका है, आरएएस आरटीएस मेंस 1982 1983 1986 और एमपीपीसीएस मेंस में 1994 में इतने एग्जाम्स में आ चुका है। ये प्रश्न भी मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से तैयार करिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी बिजली का पर्याय है दामिनी। देखते हैं व्याख्या। बिजली के पर्यायवाची विद्युत क्षणप्रभा चपला सौदामिनी बिजुरी दीप्ति प्रभा तलित दामिनी चंचला इत्यादि हैं, जबकि शर्वरी रात का तनिया पुत्री का तथा रमणी स्त्री का पर्यायवाची है। चलिए अब ये देखते हैं। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऊपर वाले प्रश्न में जो व्याख्या थी उसमें देखिए कितने सारे पर्यायवाची गिना दिए गए थे, अगर सुने होंगे तो आपको याद होगा वहां से। तो 71 यानी बिजली का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो क्या हो सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए वितुंडा। ऑप्शन ए वितुंडा सही है जो बिजली का पर्यायवाची नहीं है। यह प्रश्न दोस्तों यूपी आर ओ आर ओ प्री में 2013 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर यह हो गया। व्याख्या जो ऊपर वाले प्रश्न की ही दी है। अगला है दामिनी का पर्यायवाची कौन सा है? फिर वही दामिनी बिजली, ठीक है। तो इसका कौन सा पर्यायवाची है? तो इसमें पर्यायवाची पूछा है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है ऑप्शन बी
दीप्ति, ऑप्शन बी दीप्ति। और दोस्तों ये प्रश्न एमपीपीसीएस मेंस में 1987 में पूछा जा चुका है, तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला कहाँ है, अगला कहाँ रहा, ये है दर्पण का पर्यायवाची है, दर्पण का पर्यायवाची क्या है। तो दोस्तों ये प्रश्न यूपी लोअर मेंस में 2009 में पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पारदर्शक, यानी दर्पण का पर्यायवाची पारदर्शक होता है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए ये होगा क्लियर। अब देखते हैं व्याख्या, दर्पण के पर्यायवाची शीशा, आईना, पारदर्शक, प्रतिबिंबिक इत्यादि हैं, अन्य विकल्पों में प्रस्तुत शब्द क्या नहीं है। तो ये हो गया क्लियर। अब देखते हैं 74 यानी ध्वज का पर्यायवाची नहीं है, तो भाई कौन सा नहीं है, ये रहे ऑप्शन आपके सामने, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी केकी, ऑप्शन डी केकी ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों ये प्रश्न जो है यूपी लोअर से मेंस 2009 में आया था और आरटीएस मेंस में 1996 में आ चुका है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी केकी, ध्वज का पर्यायवाची केकी नहीं है। देखते हैं व्याख्या, केकी मोर का पर्यायवाची, जबकि विकल्पों में दिए गए शेष शब्द ध्वज के पर्यायवाची हैं, जो तीन ऑप्शन दिए थे इसके अलावा वो ध्वज के पर्यायवाची हैं। इसके अतिरिक्त ध्वज के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं क्या है, केतन, निशान, ध्वजा इत्यादि हैं। चलिए अब केतु का पर्यायवाची देखते हैं, भाई केतु का क्या हो सकता है, तो इसके इसका राइट आंसर होना चाहिए क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ध्वज, केतु का पर्यायवाची ध्वज है। ठीक है, ये हो गया, ये यूपीपीएससी डीआईईटी लेक्चर 2014 में आ चुका है, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। व्याख्या जो बताया है, व्याख्या तो भाई ऊपर वाले प्रश्न की देखनी है, ये हो गया। अब आते हैं 76 पे, बहिन का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। अब बहिन का पर्यायवाची भैया देखना है, तो भैया बहिन का पर्यायवाची देखो आप लोग, इसका क्या हो सकता है आंसर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सहोदरा, ऑप्शन डी सहोदरा बहिन का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों ये प्रश्न यूपी देखिए यूपी लोअर सब मेंस में 2008 में आ चुका है और आरएसआरटीएस मेंस में 1984 में आया था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये हो गया आपका क्लियर। चलिए देखते हैं व्याख्या, बहिन के पर्यायवाची भगिनी, सहोदरा, बांधवी, सहगर्भिणी, दीदी आदि हैं, जबकि तनुजा यमुना का पर्यायवाची है, शार्दूल शब्द सिंह का, इला शब्द सरस्वती तथा पृथ्वी का पर्यायवाची है। ये हो गया क्लियर आप लोगों को। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है 77 शिक्षक का पर्याय नहीं। अब यहां पूछा शिक्षक का पर्याय नहीं है, तो भैया क्या शिक्षक का पर्याय नहीं है, तो देखिए ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वक्ता, ऑप्शन बी वक्ता शिक्षक का पर्याय नहीं है। ये दोस्तों ये प्रश्न यूपी लोअर सब मेंस में 2008 में आ चुका है, शिक्षक का पर्याय कौन सा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बी वक्ता, वक्ता नहीं है शिक्षक का पर्याय। चलिए ये हो गया, व्याख्या इसकी देखते हैं, व्याख्या कहां है, व्याख्या ये रहा, शिक्षक के पर्यायवाची गुरु, आचार्य, अध्यापक, प्रवक्ता, व्याख्याता इत्यादि हैं, जबकि वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला या वक्तव्य देने वाला। क्लियर, क्लियर दोस्तों, अरे हाँ भी बोल दीजिए। चलिए हो गया क्लियर, अब बोल ही नहीं रहे आप लोग, तो ठीक है क्लियर मान लेते हैं। तो 78 नंबर प्रश्न है, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है, तो वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ऑप्शन ये रहे आपके सामने, तो बस देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रुख, ऑप्शन डी रुख, ये वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों ये प्रश्न देखिए कितनी बार आ चुका, 2004 में, 2008 में, फिर 42वें, 46वें, बीपीएससी मेंस में आ चुका, यूपी एपीओ मेंस में 2006 में आ चुका है, इतनी बार आ चुका है, कितनी बार आ चुका है आप लोग समझ सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो ये हो गया, देखते हैं ऑप्शन डी तो हो गया रुख, व्याख्या देखते हैं, वृक्ष के पर्यायवाची पादप, पेड़, रुख, विटप, अगम, गाछ, शाखी, तरु, द्रुम आदि हैं, जबकि कदम वृक्ष का एक प्रकार है, पर्यायवाची शब्द नहीं, कंदर्प शब्द कामदेव का तथा कांतार जंगल का पर्यायवाची है, बाकी के शेष ऑप्शन भी आपको यहां से क्लियर हो गए वो हैं क्या एक्चुअल में। तो ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर, 79 वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है, अब इसमें फिर पूछा है लेकिन ऑप्शन चेंज कर दिए हैं,
लेकिन ऊपर वाले प्रश्न में जो व्याख्या दी थी उसमें आपको कई शब्द मिल गए नए, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी पादप। ऑप्शन बी पादप वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है। दोस्तों ये प्रश्न यूपीपीएससी आरआई 2014 में पूछा गया था, ठीक है। चलिए व्याख्या तो भाई ऊपर वाली आपने सुनी होगी तो याद होगा आपको। 18 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से तरु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब तरु का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन ये रहे आपके सामने, देखिए। तो चलिए केबीसी खेलते हैं। तो चार ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सरसी रूह। सरसी रूह ऑप्शन सी तरु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यह प्रश्न आरएस आरटीएस मेंस में 1988 में आ चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये तो हो गया, व्याख्या ऊपरी वाली है, ऊपर वाले प्रश्न की है, तो ये हो गया कंप्लीट। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? अब नाग का पर्यायवाची नहीं है भाई, क्या नहीं है, कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है ऑप्शन डी तुरंग। ऑप्शन डी तुरंग नाग का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों ये प्रश्न यूपीपीएससी आरआई 2014 में पूछा गया था, तो इसका आंसर तो आप लोगों को मालूम ही चल गया, बहुत से लोगों ने देख भी लिया होगा, नकल टीप लिया होगा। चलिए तो हो गया, व्याख्या देखते हैं। तुरंग नाग का पर्यायवाची नहीं बल्कि घोड़ा का पर्यायवाची है। सर्प अहि विषधर पन्नग उरग भुजंग इत्यादि नाग के पर्यायवाची हैं। ये होगा क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, सांप का पर्यायवाची शब्द है क्या है? ऑप्शन ये दिया है दो, जातरूप विषक, ये हो गया। चलिए अगले ऑप्शन देखते हैं, अगले ऑप्शन कहाँ है भाई, ये रहा। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पन्नग। पन्नग ऑप्शन सी राइट है। तो ये प्रश्न देखिए कितनी बार आ चुका है, यूपी लोअर से मेंस में 2008 में आ चुका है, एमपीपीसीएस मेंस में 1998 और आरएएस आरटीएस मेंस में 1995 में आ चुका है। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप लोग खुद देख सकते हैं कि कितनी बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न। ये हो गया। चलिए व्याख्या देखते हैं, सांप के पर्यायवाची उरग फणी पवनाश सरीसृप भुजंग व्याल अहि नाग विषधर पन्नग सर्प आदि हैं, जबकि जातरूप शब्द सोना का पर्यायवाची है। जातरूप सोना का पर्यायवाची है और विशिख बाण का तथा अंतक यमराज का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, 83, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्प का पर्यायवाची है? अब यहां सर्प का पर्यायवाची देख लिया, वहां नाग का पूछा था, यहां सर्प का पूछ दिया, लेकिन ऑप्शन चेंज कर दिए, ऑप्शन देख लिए। ऑप्शन क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उरग। सर्व का पर्यायवाची उरग, जो कि ऑप्शन सी में है। ये 42 में बीपीएससी मेंस में आ चुका है। ये हो गया क्लियर। अगर व्याख्या देखनी है तो आपने पिछले क्वेश्चंस की व्याख्या आपने सुनी होगी, याद होगा, तो ये ऑप्शन सी आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं, 84, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? अब अहि का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सिंदूर। ऑप्शन डी सिंदूर अहि का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों ये प्रश्न यूपी आरओ आरओ प्री 2010 में पूछा जा चुका है। अब ये हो गया आपको क्लियर, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है। व्याख्या चाहिए तो ऊपरी जो उपरोक्त प्रश्न था उपरयुक्त उसी की व्याख्या है। चलिए ये हो गया, 85 देखते हैं, निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अब बताइए यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बहुत से लोग तो यमुना को जमुना भी बोल देते होंगे, तो यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी भानुजा। यमुना का पर्यायवाची शब्द भानुजा ऑप्शन बी है। अब देखिए इस प्रश्न की इंपॉर्टेंस कितनी बार आया, मैं बोलता हूं आपको सुनिए, यूपी लोअर सब मेंस में 2003, यूपी लोअर सब स्पेशल मेंस में 2008 और आरएसआरटीएस मेंस में 1982 और 1983 में और 42 में बीपीएससी मेंस में आ चुका है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। चलिए व्याख्या देखते हैं, यमुना के पर्यायवाची अर्कजा कृष्णा सूर्यसुता कालिंदी तरणी भानुजा आदि हैं, जबकि सविता सूर्य का पर्यायवाची है, प्रमदा शब्द करुणी का तथा तनुजा पुत्री का पर्यायवाची है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला है यमुना शब्द का पर्यायवाची है, यमुना शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अर्कजा। अभी आप लोगों ने यह व्याख्या सुनी, तो अर्कजा यमुना शब्द का पर्यायवाची है, यह क्लियर हो गया। बस क्लियर हो गया तो बस उसके बाद ये
आज का भाग भी समाप्त हो गया। आप लोगों ने बहुत पढ़ लिया आज पर्यायवाची, रोज की अपेक्षा मैंने आज बहुत ज्यादा ही बता दिया, 3 पेज पढ़ा दिए मैंने आप लोगों को आज। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और ऑप्शन मैंने नहीं भी बोले हैं, केवल राइट ऑप्शन बोला है। पसंद आया है तो भाई बस थम्स अप, लाइक जरूर करिए आप, और शेयर भी करिए जितना हो सके। शेयर करने कई माध्यम है, आप लोगों को मालूम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, और भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जिनके थ्रू आप शेयर कर सकते हैं। तो शेयर जरूर करिए और हमारे इस प्रयास को और सफल बनाइए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखा आप लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप मन से देखते रहिए, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का, भाई आप मन से देख रहे हैं। तो मिलते हैं, बस इतना ही, ज़्यादा ही लेक्चर हो गए, ज़्यादा ही पर्यायवाची हो गए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।